हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहली कमांड जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है शटडाउन। दोस्तों, अगर आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन जो है वो शटडाउन करनी है तो उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं, पहली कमांड होती है शटडाउन। तो उसके लिए शटडाउन स्पेस हाइफन एच स्पेस नाउ। दोस्तों, ये कमांड यूज की जाती है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को शटडाउन करने के लिए ऑन द स्पॉट। ठीक है, अगर आप ये कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं तो मशीन जो है वो ऑन द स्पॉट शटडाउन हो जाएगी। दोस्तों, मैं ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मशीन को रीबूट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जस्ट आप यहां से कमांड ये नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम लोग शटडाउन स्पेस हाइफन एच स्पेस नाउ करते हैं तो मशीन ऑन द स्पॉट शटडाउन हो जाएगी, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो शटडाउन करने के लिए शेड्यूल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मशीन जो है वो 60 मिनट्स के बाद, यानी कि 1 आवर्स के बाद मशीन जो है वो शटडाउन हो जाए, तो यहां से आप शेड्यूल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, ये जो शेड्यूल होगा ये मिनट्स में ही डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि अभी जो हो रहा है वो 21:29 हो रहा है अभी टाइम, और ये 60 मिनट के बाद ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगी। टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा और जैसे ही आप मशीन ये टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं शटडाउन शेड्यूल्ड फॉर, और यहां पर आप शेड्यूल देख सकते हैं कि किस टाइम पर मशीन जो है वो शटडाउन हो जाएगी। तो इस तरह दोस्तों, हम लोग शटडाउन कमांड के द्वारा ऑन द स्पॉट भी शटडाउन कर सकते हैं, के साथ साथ हम लोग शेड्यूल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी रीजन से ये शेड्यूल कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं शटडाउन स्पेस हाइफन सी। हाइफन सी स्पेशली यूज किया जाता है शेड्यूल को कैंसिल करने के लिए। टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं इस मशीन ने सभी टर्मिनल पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया है। क्या मैसेज ब्रॉडकास्ट किया है? द सिस्टम शटडाउन हैज बीन कैंसिल्ड, यानी कि जो शेड्यूल आपने प्रोवाइड किया था शटडाउन के लिए वो कैंसिल हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों, हम लोग शटडाउन कमांड यूज करते हैं। इसके बाद आता है, अगर आप मशीन को शटडाउन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग एक अनदर कमांड भी यूज करते हैं, वो होती है INIT स्पेस 0। दोस्तों, INIT स्पेस 0 टाइप करके जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो मशीन जो है वो शटडाउन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड यूज करते हैं पावर ऑफ। दोस्तों, पावर ऑफ कमांड भी यूज की जाती है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन को पावर ऑफ करने के लिए। पावर ऑफ टाइप करके जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे मशीन जो है वो ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगी ऑन द स्पॉट। तो ये भी कमांड मैं आपको एग्जीक्यूट नहीं करके दिखाऊंगा, तो इसके लिए मैं अभी इसको हटा देता हूं। इसके बाद अगर आप मशीन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्तों रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग दो कमांड यूज करते हैं। पहली कमांड होती है INIT स्पेस 6। दोस्तों, INIT स्पेस 0 के द्वारा हम लोग मशीन को शटडाउन करते हैं,
और INIT Space 6 के द्वारा हम लोग मशीन को रीस्टार्ट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी कमांड मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं, एक अनदर कमांड, सॉरी रिबूट। दोस्तों रिबूट भी कमांड यूज की जाती है मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए। अगर आप मशीन को फोर्सफुली रिबूट करना चाहते हो तो रिबूट कमांड का बेनिफिट ये है कि आप अपनी मशीन को हाइफन एफ के द्वारा, रिबूट स्पेस हाइफन एफ के द्वारा मशीन को फोर्सफुली रिबूट भी कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद मैं एक कमांड आपको रन करके दिखा ही देता हूं। तो INIT स्पेस 6 के द्वारा अगर आप मशीन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जस्ट INIT स्पेस टाइप करके INIT स्पेस 6 टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो आपकी मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। आप यहां पर देख भी सकते हैं कि मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो रही है। देख सकते हैं दोस्तों आप यहां पर, तो मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो रही है। जब तक मशीन रीस्टार्ट होती है तो मैं तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मशीन जो है वो सक्सेसफुली रिबूट हो चुकी है और मैंने अगेन सुडो टर्मिनल को ओपन कर लिया है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है मशीन को शटडाउन करने के लिए एक हम लोग शटडाउन कमांड यूज करते हैं, INIT 0 यूज करते हैं, पावर ऑफ यूज करते हैं, और मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग दो कमांड यूज करते हैं, रिबूट एंड सेकेंड होती है INIT स्पेस 6। ये कमांड हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने किसी भी यूजर को लॉगिन किया हुआ है, जैसे कि मैंने इस टर्मिनल पर यहां पर प्रीत यूजर को लॉगिन किया हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने अभी प्रीत यूजर को लॉगिन किया हुआ है, और अगर आप प्रीत यूजर से लॉग ऑफ करना चाहते हैं यानी कि लॉग आउट करना चाहते हैं, तो दोस्तों लॉग आउट करने के लिए भी हम लोग तीन कमांड यूज करते हैं। पहली कमांड है और सबसे सिंपल कमांड होती है एग्जिट। जैसे आप किसी भी टर्मिनल पर एग्जिट टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं तो आप करंट यूजर से लॉग ऑफ हो जाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग प्रीत यूजर से लॉग ऑफ हो चुके हैं। अगेन आप यूजर नेम टाइप करके पासवर्ड डालिएगा और आप लॉग इन कर गए दोबारा से। अब पहली कमांड होती है लॉग आउट करने के लिए एग्जिट, सेकंड कमांड होती है लॉग आउट। लॉग आउट भी दोस्तों स्पेशली यूज की जाती है यूजर से लॉग आउट करने के लिए, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं अगेन हम लोग प्रीत यूजर से लॉग आउट हो चुके हैं। दोबारा से मैं लॉग इन करता हूं प्रीत यूजर से ही, और थर्ड कमांड होती है जस्ट एक शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं यूजर से लॉग आउट करने के लिए, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों कंट्रोल डी भी स्पेशली यूज की जाती है किसी भी यूजर से लॉग आउट करने के लिए। तो दोस्तों इसी में ही मैं यहां पर एक कमांड और आपको यूज करके दिखाऊंगा। देखो जैसे कि मैंने अपनी मशीन के अंदर सूडो टर्मिनल से लॉगिन किया हुआ है, अभी अगर मैं यहां पर देखूं हु एम आई, मैं किस यूजर से लॉगिन हूं, अभी मैं रूट यूजर से लॉगिन हुआ हूं सूडो टर्मिनल से। और आप अगर करंट टर्मिनल्स पर स्विच करना चाहते हैं अनदर यूजर के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं SU। SU कमांड स्पेशली यूज की जाती है स्विच यूजर करने के लिए। जो मैंने अभी आपको बताई थी लॉग आउट एग्जिट कंट्रोल डी, वो लॉग ऑफ करने के लिए थी। SU कमांड यूज की जाती है स्विच यूजर करने के लिए। तो इस कमांड को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, SU स्पेस हाइफन स्पेस और यूजर नेम प्रोवाइड कीजिए जिस यूजर पर आप स्विच करना चाहते हैं, टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिएगा। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हम लोग प्रीत यूजर पर स्विच कर गए हैं। चाहे तो आप हु एम आई कमांड के द्वारा भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वापस आप रूट यूजर पर स्विच करना चाहते हैं तो अगेन SU स्पेस हाइफन स्पेस यूजर नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा। अब आपको रूट यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड करना है, टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। और आप यहां पर देख सकते हैं कि
आप अगेन जो है रूट यूजर पर स्विच कर गए हैं, चाहे तो आप हु एम आई कमांड के द्वारा चेक भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतनी ही कमांड को डिस्कस करेंगे, आगे हम लोग बेसिक कमांड्स को डिस्कस करेंगे और भी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की शटडाउन, रीबूट, INIT स्पेस 0 स्पेस 6, पावर ऑफ, लॉग आउट, एग्जिट, कंट्रोल डी एंड SU कमांड। बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।